वेलकम टू टेक अ स्टेप। टेक अ स्टेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बात करेंगे हिमाचल की एक ऑफ बीट प्लेस जो कि कसोल के नज़दीक है। इस जगह का नाम है तोश। जी हाँ, तोश एक ऑफ बीट प्लेस को कहा जाता है और बैकपैकर्स या जो सोलो ट्रिप करते हैं वो इस प्लेस को प्रेफर करते हैं क्योंकि काफ़ी लिमिटेड लोग हैं और अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर पहुँचते कैसे? कसोल, जैसे आप कसोल पहुँचेंगे, भले आप बस से आए, मनाली से आए या कसोल उतरें, कसोल से आपको बशेनी की तरफ जाना है और बशेनी एक बस स्टॉप है। वहाँ से करीबन एक घंटे का हाइक है, तो वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर अगर जैसे अगर आप हाइक कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कम वज़न वाला सामान हो आपके पास और पानी ज़रूर हो ताकि आपको हाइकिंग में आसान हो। ऑन द वे रास्ते में लोग मिलते रहेंगे तो उनसे रास्ता पूछते पूछते चले जाइएगा। मैप पर भी बता है लेकिन मैप पर जितना डिपेंड मत करें, जितने लोकल लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो करेक्ट रहेगी। लोगों को ऑन द वे पूछते चले कि तोश का गांव है वो किस तरफ है। और यहाँ पे जैसे आप पहुँचेंगे आप देखेंगे कि काफ़ी सुंदर गांव है। यहाँ पे लकड़ियों के घर ज़्यादातर बने हुए हैं, तो जो पुराने टाइम का जो आर्ट होता है वो आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे रहने के लिए हॉस्टल्स भी हैं, आसानी से आपको मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल लेंगे जो एप्लीकेशन आप करें, या ऑन द वे अगर ज़्यादा अवेलेबल हो तो आपको ऑन द स्पॉट भी मिल जाएंगे। तो हॉस्टल्स भी हैं अगर आप अकेले रह रहे हैं, या रूम्स भी मिल जाएंगे वहाँ पर अगर आप ज़्यादा एक से ज़्यादा लोग हैं या ग्रुप में हैं। कैफेज़ तो हैं ही, तो आपको खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं, वो भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके ऊपर है, आप एक दिन रुकते हैं, दो दिन रुकते हैं तो या वहाँ यहाँ पे स्टे करके आगे बढ़ते हैं, टोटली आपके ऊपर है। और जैसे आप टॉप पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे माउंटेंस आपको दिखाई देंगे दूर दूर तक। काफ़ी अच्छा व्यू है, कह सकते हैं अच्छा व्यू है, 360 आप बोल सकते हैं, जहाँ भी आप ऊपर से देखें आपको दिखे। और ये कम एक्सपेंसिव है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू कसोल, क्योंकि कसोल एक वेल एस्टैब्लिश प्लेस है। वहाँ पे टूरिस्ट खाने पीने का और रहने का थोड़ा प्राइस ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। यहाँ इतने लोग नहीं आते, कितना आसान नहीं है यहाँ पे पहुँचना, और बस अवेलेबल है, फ्रीक्वेंसीज कम है। तो आप आने से पहले एक बार मौसम देख लीजिएगा, बस की अवेलेबिलिटी भी देख लीजिएगा, और अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो उस हिसाब से, तो जो कि आपका सेफ रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।